गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्विस्ट फॉर यू। तो हम लोग आज आए हुए हैं, हम सिस्टर का पेपर दिलाने के लिए आए हुए हैं आज यहाँ पर। ये रोहनाही में सलोनिया नामक गांव वो सेंटर गया हुआ था राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। तो ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई रास्तों में, हमने कम से कम 7-8 जगह पर जानकारी ली कि ये स्कूल कहाँ पर पड़ेगा, कहाँ तब कहीं जाकर ये स्कूल मिला। एक्चुअली हम लोग सुबह 5:30 बजे करीब निकले हुए थे, 7 बजे एंट्री थी यहाँ पर, बॉम्बे आर्ट का पेपर था तो 7 बजे एंट्री थी, तो हम लोग सुबह 5:30 बजे ही निकले कि कहीं रास्ता भी नहीं पता था और इतना वीरान इलाके में वीरान एरिया में होगा ये तो बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं, यहाँ पर कोई नज़र भी नहीं आता है। तो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई जंगलों से डंडा या लकड़ी लेकर निकलता हुआ, तो ऐसा माहौल क्रिएट होता है, थोड़ा डर भी लगता है कि कोई आदिवासी कोई मुलाकात ना हो जाए। तो यहाँ काफ़ी वीरान जंगल एरिया था, तो पेपर वो लोग अंदर जा चुकी हैं, सब लोग का टाइम हो गया था और कुछ लोग जो आसपास थे वो उसी टाइम पर आए, अपना सब पर हम लोग को नॉलेज नहीं था। तो हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि 3 घंटा यहाँ पर कौन बैठेगा इतने वीरान इलाके में, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो यहाँ पर नहीं रह सकता भाई लोग। और अभी चलें कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर 11 बजे पेपर एंड होगा, ख़त्म होगा। तो हम लोग जैसे कि पेपर काफ़ी लंबा चलने वाला था, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग कर लेते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, यहाँ पर दिखाएंगे कि कितने वीरान एरिया में हम लोगों का पेपर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम थोड़ा टहल में घूमने निकले हुए हैं आसपास, तो इधर साइड में थोड़ा आए हैं, जंगल एरिया है। और यहाँ पर मुझे भगवान शंकर जी का मंदिर भी दिखाई दिया जो अभी शायद निर्माण हो रहा है, इसका श्री काटेश्वर नाथ बाबा जी का मंदिर है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं काटेश्वर नाथ बाबा जी का मंदिर। अब यहाँ पर आ गए हैं, वैसे इस जगह के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज तो है नहीं क्योंकि पहली बार आए हुए हैं, तो दिखाते हैं श्री काटेश्वर नाथ बाबा जी का मंदिर। शंकर जी की मूर्ति तो काफ़ी प्यारी लग रही है। तो श्री काटेश्वर नाथ बाबा जी का ये मंदिर बना हुआ है, शंकर जी की मूर्ति लगाई गई है, इनको कई नामों से जाना जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो इस वीरान एरिया में भगवान जी मिल गए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अकेला फील भी नहीं होगा। हम वही सोच रहे थे कि 3 घंटे का टाइम कैसे बिताएंगे, पेपर चलेगा 3 घंटा, तो यहाँ पर हम लोगों को बैठना पड़ेगा। और काफ़ी लोग बाहर वैसे खड़े हैं लेकिन किसी को जानते पहचानते नहीं हैं, तो किससे जाके बात करने लगे ऐसे, तो हमने सोचा कि इधर उधर थोड़ा लोगों का आना जाना अभी भी लग रहा है, सब लोग कई लोग रहते हैं ना लेट में, एकदम जब 2 मिनट बचा रहे तभी आते हैं। बट हम लोग सुबह चाय नाश्ता करके 4 बजे उठ गए थे, हम लोग आके यहाँ पर जगनपुर में अपने मासी के घर रुके हुए थे, तो यहाँ से हम लोग करीबन 5:30 बजे निकले थे और कम से कम 7-8 जगह तो रास्ता पूछना पड़ा कि यह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सलोनिया में कहाँ पड़ेगा। सब लोगों ने काफ़ी साथ दिया और मदद भी किया कि ऐसे जाना हो या समझ में ना आए तो कहीं पर पूछ लेना, अच्छे से समझ में ना आया हो तो पूछते हम लोग आए। और फाइनली हम लोग पहुँच के सब लोग पेपर देने अंदर चली गई हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए आ गए थे। और पूरा एकदम मॉर्निंग का टाइम एकदम है, यहाँ पर भगवान सूर्य निकल चुके हैं और हमें थोड़ा प्यास लग रही है, चलते हैं पानी पीने। आइए, नल भी मिल गया मुझे यहाँ पर।
चलिए चलते हैं आगे कुछ। यहाँ पर 3 घंटे का टाइम तो बिताना काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे। दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है, काफ़ी वीरान इलाका में पेपर पड़ जाता है तो ऐसे ही होता है भाई लोग। तो भाई लोग मुझे लग रही है थोड़ा सा भूख महसूस हो रहा है, क्योंकि सुबह चाय पी कर आए थे और अभी 3 घंटा काफ़ी लंबा समय है। तब तक के लिए हम चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर आगे आप सबको दिखाएंगे। और एक बार दिखाएंगे कि किस स्कूल में ये सेंटर पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ कि ऐसे वीरान इलाकों में सेंटर क्यों चले जाते हैं कि लोगों को ढूंढना या इतनी कठिनाई रहती है। आसपास इतने तमाम स्कूल रहते हैं जो हम लोग जानेंगे, वो वहाँ पर कभी नहीं पड़ेगा। ऐसे जगह पर पड़ेगा कि जहाँ पर बहुत मुश्किल हो ढूंढना और किसी का आने का भी मन ना करे। ऐसे वीरान इलाकों पर डर लगता है, कोई अकेला इंसान ऐसे जंगल वंगल से निकलेगा लकड़ी डंडा लेकर तो जैसे लगता है कि कोई आदिवासियों के इलाके में चले आए हैं। तो थोड़ा भूख महसूस हो रहा है, यहाँ पर तो कुछ मिलेगा नहीं जो वीरान इलाका जो है। तो लगता है हमें यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पर है, तो वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा कुछ खाने के लिए। हमें एक होटल मिल गया है, यहाँ पर हम कुछ खाने चल रहे हैं, चाय समोसा पकौड़ी। अच्छा होटल लग रहा है देखने में। जैसा कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ 3 घंटे रुक पाऊँगा, थोड़ा इधर गांव के बाहर निकल रहा हूँ रोड पर चौराहे पर, कहीं कुछ अच्छी चीज़ें देखता हूँ और आप सबको भी दिखाता हूँ। तो रास्ते में हमको KVS पब्लिक स्कूल मिल गया, यहाँ पर देखते हैं कुछ बच्चों से आइए मुलाकात करते हैं, बात करते हैं थोड़ा। जैसा कि बच्चों से बात करने के लिए गया था, पर वहाँ पर जैसे घुसते ही सब बच्चे मुझे घूर कर देखने लगे कि कौन है, किसके यहाँ के हैं कौन। जैसे कुछ टीचर या सर भी निकल गए तो पूछताछ करने लगे कौन। माहौल ख़राब हो चुका था इसलिए हमने बोला कि ऐसे ही आ गए थे और वहाँ से बाहर निकल आए। हमें यहाँ पर एक अच्छा सा बाग मिल गया है, आम का बाग है, लिप्टस का पेड़ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, अच्छा लगेगा यहाँ पर थोड़ा। तो तब तक के लिए आप सबको बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।